हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। तो दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जब मैं साइन को ऐसे लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो दोस्तों आगे क्वेश्चंस करने से पहले हम लोगों को जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट, सेक, कोसेक, तो सभी के रेंज और डोमेन को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे जाके प्रिंसिपल वैल्यू जो एक्सरसाइज 2.1 में पूछा गया है हम लोग को पता लग सकता है। तो सबसे पहले देख लेंगे डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स फंक्शन, मैंने इसे फंक्शन में कहा डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, उसी तरह रेंज उसका -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। उसी तरह टैन इनवर्स एक्स का रियल नंबर डोमेन हो जाता है, सारा रियल नंबर डोमेन उसका, और उसका रेंज क्या रहता है ओपन इंटरवल -π/2 π/2। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स से क्या है रियल नंबर, उसका रेंज क्या हो जाएगा 0 π ओपन इंटरवल। उसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाता है रियल नंबर -1 1 रेंज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 -0 एक्सेप्ट 0, सुंदर 0 निकाल देंगे जो बचता हो सबके रेंज हो जाता है कोसेक इनवर्स का। सेकंड इनवर्स का रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज। आगे इसका बहुत ज़रूरत है एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने के लिए, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसका निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 ले लेंगे। लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो दोस्तों पाई बाई टू कब होता है साइन में, साइन 30 पाई बाई टू, साइन 30 को क्या लिख सकते पाई बाई सिक्स, साइन 1/6 इज इक्वल टू पाई बाई टू, माइनस बाहर है। तो दोस्तों ये क्या होएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6 वही है दोस्तों, क्यों नहीं आएगा, कैसा साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, ये लोअर क्लास में पढ़े थे फॉर्मूला उस बेस में आ गया। तो ये क्या होएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स है इधर है तो बचेगा π/6 एंड दिस इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ये क्या है रेंज है साइन, इसके अंदर आता है कि नहीं माइनस में, मतलब 90 to -90 -60 है -30 फॉलो करते हैं वही हो गया। तो सेकंड करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और √3/2। तो लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 और वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 को क्या लिख सकते कॉस 30 लिख सकते और y इज इक्वल टू सॉरी कॉस 30 लिख सकते और ये हो जाएगा π/6 दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। उसी थर्ड क्वेश्चन दोस्तों कोसेक इनवर्स 2, तो y इज इक्वल टू लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 क्या लिख सकते कोसेकेंट 30 और y इज इक्वल टू π/6 और जन कैसे बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 रेंज किसका रेंज है कॉस का रेंज होगी। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन फिर करेंगे फोर्थ, टैन इनवर्स -√3 फोर्थ क्वेश्चन। तो सिमिलरली पहले से करेंगे लेट y इज इक्वल टू टैन इनवर्स -√3 और y इज इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस बाहर रहेगा √3 क्या लिख सकते हैं tan 60
tan 60 और y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ माइनस अंदर चले जाएगा क्यों जाएगा माइनस अंदर बिकॉज लोअर क्लास में पढ़े थे इधर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan x पढ़े थे वो फॉर्मूला हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5/3 एंड दिस इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5/2 to 5/2 हो गया फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों cos इनवर्स माइनस 1/2 cos इनवर्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2 सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस बाहर रहेगा 5/2 क्या होता है cos का cos 60 डिग्री लेकिन इधर एक फॉर्मूला है cos इनवर्स cos इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री आएगा माइनस जब अंदर आएगा तो इस तरह आएगा क्यों क्योंकि हम बेसिक क्लास लोअर क्लास में पढ़े थे cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा तो हो गया कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री सॉल्व करेंगे 2π/3 एंड दिस इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 5 नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों tan इनवर्स माइनस 1 tan इनवर्स माइनस 1 लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1 y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस क्या tan का tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होएगा हो गया y इज इक्वल टू एक फॉर्म में डाल दीजिए हो जाएगा tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 कैसा आया ये वाला पता है हम लोगों कि tan माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x ये फॉर्मूला से कर लेंगे दोस्तों ये फॉर्मूला से कर लेंगे तो आ जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज रेंज कितने इसका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है कि नहीं माइनस 90 है 45 है दोनों बीच में है सेवेंथ क्वेश्चन sec इनवर्स 2/√3 तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3 और y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec का 2/3 कब आता sec पाई बाई 6 30 तो y इज इक्वल टू पाई बाई 6 क्या हो जाएगा ना बिलोंग्स टू 0 to π - π/2 रेंज याद करना दोस्तों यही तो मेन है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए रेंज याद करना क्वेश्चन नंबर 8 cot इनवर्स √3 y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3 एंड y इज इक्वल टू cot इनवर्स कब आता cot पाई बाई 6 तो y इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड इस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई टू 0 टू पाई क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स माइनस 1/√2 y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/√2 एंड दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस हाँ cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 क्या है 1/√2 y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 बिकॉज वी नो दैट cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा फॉर्मूला है तो y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 इसको लिख सकते 3π/4 और इस बिलोंग्स टू 0.5 नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों तो टेंथ क्वेश्चन दोस्तों cosec इनवर्स माइनस √2 y इज इक्वल टू cosec इनवर्स माइनस √2 एंड y इज इक्वल टू cosec इनवर्स माइनस √2 क्या होता है cosecant पाई बाई 4 ये होएगा cosecant माइनस इनवर्स इज इक्वल टू cosecant इनवर्स माइनस पाई बाई 4 पता है इसका फॉर्मूला हम लोग को cosecant इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस
कोसेकेंड थीटा, टर्म फॉर्मेस आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, दिस बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू जीरो। ये हो गया 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल वैल्यू। अब 11th क्वेश्चन करेंगे, कुछ डिफरेंट है। प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, स्मॉलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों इसको पता है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो टैन इनवर्स वन को क्या लिख सकते, टैन फाइव बाई फोर लिख सकते, प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू को क्या लिख सकते, कॉस फाइव बाई थर्टी, कॉस फाइव बाई थ्री मतलब कॉस थर्टी, सॉरी कॉस सिक्सटी इज वन बाई टू, प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन फाइव बाई सिक्स, फिर इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाइव बाई फोर, प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ फाइव माइनस फाइव बाई थ्री, प्रिंसिपल में किए थे हम लोग, प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स, दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म के फाइव बाई फोर प्लस फाइव माइनस फाइव बाई थ्री प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस फाइव बाई सिक्स, तो सभी कैल्सियम निकालेंगे तो आएगा ट्वेल्व थ्री फाइव प्लस ट्वेल्व फाइव माइनस फोर फाइव माइनस टू फाइव इक्वल टू फिफ्टीन फाइव माइनस सिक्स फाइव बाई ट्वेल्व, दैट इज इक्वल टू नाइन पाई बाई टू, वाला आंसर इज थ्री पाई बाई फोर इज द सॉल्यूशन। कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू ऑफ साइन ऑफ वन बाई टू। तो दोस्तों 12th क्वेश्चन, कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू इंटू साइन इनवर्स वन बाई टू करेंगे, सॉल्यूशन कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई थ्री यानी कॉस सिक्सटी वन बाई टू आएगा, प्लस टू साइन इनवर्स साइन थर्टी वन बाई टू मतलब पाई बाई सिक्स जो है वन बाई टू रहेगा, साइन पाई बाई सिक्स वन बाई टू, अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फाइव बाई थ्री प्लस टू इंटू टू बाहर था फाइव बाई सिक्स थ्री, फिर लिखेंगे फाइव बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री टू फाइव बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 13th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन ए बी सी डी में से कौन सा आंसर वाई के लिए सूटेबल होगा। तो दोस्तों वाई इज इक्वल टू क्या, वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हम इसका रेंज क्या पढ़े थे, रेंज क्या पढ़े थे इसका साइन का, तो जो रेंज है साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और ये इसको हम लोग क्या लिख सकते, इसको लिख सकते पाई बाई टू, तो ये हो गया आंसर बी, आंसर बी। दोस्तों 14th क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है तो पहले सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो सॉल्यूशन टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेकेंड इनवर्स टू, तो इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री फाइव बाई थ्री
टेन पाई बाई थ्री रूट थ्री होगा माइनस सेक इनवर्स माइनस सेकेंड ऑफ पाई बाई थ्री, ए बी सी में सिक्सटी टेन ऑफ, तो ये ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे पाई बाई थ्री माइनस सिकेंड का जो है माइनस अंदर जाए तो क्या होगा सिकेंड पाई में पाई बाई थ्री फॉर्मूला का सर फॉर्मूला तो पता है हम लोगों को सिकेंड ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सिकेंड पाई माइनस थीटा, इस तरह जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा बचेगा पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस यहाँ आ जाएगा पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री और ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री माइनस पाई, आंसर आएगा माइनस पाई बाई थ्री आ गया आंसर बी। तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।